আরে নাই নাই, একটুখানি লাগতেছে, বেশি একটুখানি ভাত লাগতেছে। और आज मॉर्निंग में भी उत्तराखंड में झटके आए थे जहाँ मैं रहता हूँ। जी कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बढ़िया हो रहे होंगे। अभी हमारे यहाँ भयंकर भूकंप के झटके आए हैं, तो हमारे घर में भी सब कुछ थोड़ा टूट फूट हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरे ऊपर छत के ऊपर लेंटर पड़ा है, इधर लगभग टूट फूट हो गई है बहुत बुरी तरीके से। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये बुरी तरह आ रही है, देख सकते हो। मेरे घर पे कुछ ज़्यादा ही टूट फूट हो चुकी है। ये पूरी की पूरी दीवार गई हमारे यहाँ पे, पूरी चटकन वहाँ से लेके पूरी नीचे तक पूरा चटक गया है। पता नहीं कहाँ का दर्द चट गया है। इस तरफ तो बिल्कुल सही है, ये पूरा इधर किनारे पे गिटार रखा हुआ मेरा, ये भी गया, टूट गया है ये भी अच्छे तरीके से। आप देख रहे हैं, आपको मैं क्लोज ला के दिखाता हूँ कि कितना नुकसान हुआ है। ये बड़ी दीवार गई हमारे घर की, छत वत सब टूट गई है। अब मुझे लग रहा है डर, पता नहीं क्या होगा। मैं देख सकता हूँ मेरे रूम पे भी टूट फूट हुई है लगभग लगभग पूरी इस तरफ की, और इधर मकड़ी हुई है जाले, और ये ऊपर के तरफ को टूटा हुआ है मेरे घर पे। यहाँ पे जो भी भूकंप के झटके आए मेरे घर पे क्रैक्स आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्रैक्स है। और मम्मी थोड़ी घबराई हुई है मेरी, क्या हो गया करके। अभी थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है मेरे घर पे, मतलब बाहर की ओर, और अभी लगभग सन्नाटा बस रहा हुआ है चारों तरफ भूकंप आने के बाद। और ये सामने वाली बिल्डिंग में भी वो दिख रहा है, दिख रहा पर दरार आई है ये, जस्ट ये आप देख सकते हैं। क्लियरिटी आ रही नहीं आ रही, मुझे नहीं पता, लाइट की विजिबिलिटी है नहीं। बाकी आपको मिलते हैं मॉर्निंग में। मैंने कहा साला तू खिड़की तो खुली नहीं है, फिर मेरे साले बाहर पाया फटाफट, दे रहा था नीचे भी ये भी। अभी वो सीमा का फोन आ गया रुद्रपुर से, कह रहा कि वो अपने लड़के से कह रहा है सो क्यों नहीं रहा, तेरी खाट हिल रही हो, इनके खाट भी हिल रही है, वो तो उनकी लड़की तुम लोग यार हिला दे रहे हो यार, बोला बताओ तुम लोग पूरा हिला दे रहे हो पकड़ पकड़ के। अच्छा तभी हिल रहा है। अरे पहले मैं उठाना, तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको? उम्मीद है कि आप सब लोग सही होंगे। कल रात जो भूकंप के झटके आए थे तो मेरे घर में काफ़ी नुकसान हो गया है, और मेरे पापा को मतलब पहले चोट लगी थी, तो आज इनको हॉस्पिटल भी ले जाना है मुझे। तो जैसे उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और सही होंगे। और आज मॉर्निंग में भी उत्तराखंड में झटके आए थे जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब पिथौरागढ़। वैसे तो मैं रुद्रपुर रहता हूँ, बट झटके थोड़े बहुत यहाँ ही महसूस किए गए थे सुबह 6:30 बजे। तो आप लोग इस भूकंप से सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। तो आज के ब्लॉग में ये एंड करता हूँ, और मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।